कारगिल विजय उत्सव समिति भिलाई चरोदा के द्वारा वीर जवानों के शौर्य को नमन करते हुए साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन भिलाई 3 के बाजार चौक में बने दुर्गा मंच में किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कारगिल विजय उत्सव आयोजन समिति भिलाई चरोदा के तत्वावधान में 26 जुलाई को दुर्गा मंच बाजार चौक भिलाई 3 में कारगिल विजय उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग जिला के SP सलभ कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में भिलाई 3 थाना प्रभारी मनीष शर्मा शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वीर शहीद कौशल यादव जी के परिजनों द्वारा किया गया। गौरतलब है कि भारत माता के वीर सपूतों के परिश्रम, त्याग एवं बलिदान की बदौलत ही हमने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी। वहीं इस गरिमामयी आयोजन में सतीश विनायक गाड़गे, हरप्रीत सिंह खेलू, राम यादव, संतोष कुमार माली, राजेश शर्मा, तिरुपति राव, अजय पांडे एवं राकेश कुमार सिंह को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आज विजय दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ भिलाई 3 मार्केट में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम सब शामिल हुए थे और जितने भी हमारे साथी हैं, सैनिक साथी हैं जो शहीद हो गए, उनको याद किया, उनके परिवारजनों का सम्मान किया और साथ साथ जो भी हमारे साथी आज सीमा पे लड़ रहे हैं उनको भी हम लोगों ने ये संदेश दिया कि हम सब आपके साथ हैं और कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि इन जो हमारे साथी जो शहीद हुए हैं और जो हमारे साथी सीमा पे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद रखिए, उनके त्याग को याद रखिए और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे देश की अखंडता, एकता में कोई भी ठेस पहुँचे। यही सोच करके चलिए कि हमको देश को एक बना करके चलना है और हमेशा देश के लिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कार्य करिए। हम लोग लगातार सभी पक्षों से इसमें बातचीत करके जो भी आयोजन करता है उनसे हम लोगों ने पूरी प्लानिंग जो उनकी है वो ले ली है और उसके हिसाब से हम लोग बल डिप्लॉय करेंगे और जो 2 दिन का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक संपन्न होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। बहरहाल इस कार्यक्रम में कारगिल उत्सव समिति के लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।